आज निबंध से संबंधित कुछ पक्षों की और चर्चा करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और कई ऐसे शब्दों को नोट करेंगे जिसका प्रयोग हम बारंबार इंटरव्यू में करेंगे, ये मेंस में करेंगे और उन शब्दों को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लो। जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर लिखते वक्त भी उन शब्दों का प्रयोग करोगे तो अच्छे अच्छे शब्द आपकी भाषा में आए। आप कई बार कभी एक पेज लिखने का प्रयास करो, पता चलेगा कि एक पेज में कुछ एक विशेष शब्द बार बार आ रहे हैं। तो शब्दों से समृद्ध होना अत्यंत आवश्यक है और शब्द अगर आपके पास खूब अच्छे अच्छे हैं और उनको ठीक से प्रस्तुत कर दो तो आपकी भाषा प्रभावी हो जाएगी। ये ध्यान रखो कि जो मेंस का एग्जाम है, आराम से बैठ लो, आप लोग सारे लोग बिछा के बैठ जाओ, अपना अपना जो लाए हो लोग वो बैग में लेके आता है सर, लाओगी नहीं बिछाने वाले, बैठ लो आप। देखिए सर वो बिहार का वो देखिए, रुक 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 रुक, क्या चीज है, अपना अपना बिछाओ भाई। दूसरे कोचिंग का बैनर लेकर आया है बैठने के लिए तुमने बिछाने वाला बैनर दूसरे कोचिंग का लेके चले आते, उसमें बिछा के बैठने के लिए। ठीक है, पीछे अरे इसलिए रखे रहते हैं कि आप किस जिला में पोस्टिंग रहेंगे, कभी जरूरत पड़ता है तो वही सब ना आता है सब। यहाँ लड़की सब क्लास रहती है, सब कभी कभी कुछ बहुत प्रॉब्लम आने लगता है सबको। पहले यहाँ पे गार्जियन भेजने से डरता था, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता था। हम लोग ऐसा ऐसा इलाज किए लोग ना, क्योंकि सब अपने बैच का कहीं कहीं कोई अधिकारी में था, एक बार कहते देखो ना जी दिक्कत कर रहा है सब लड़की को पढ़ने के लिए यहाँ पे, ऐसा ऐसा इलाज किया सब ने उसको, फिर कोई वैक्सीन उक्सीन की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़े रहना है, समझ में आ गया कि नहीं। हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ एक साथ खड़े होना चाहिए। यस, ठीक है। देखो जब निबंध का पेपर आप दोगे और जब निबंध आपके सामने आएंगे तो हो सकता है निबंध अभी हो सकता है, क्योंकि आप बीपीएससी ने भी स्पष्ट अभी नहीं किया है कितने निबंध होंगे, बट हो सकता है तीन पार्ट में बांट कर दे और हर एक पार्ट में वो तीन या चार निबंध कर सकता है, तीन या चार हर एक पार्ट में। मान लो तीन खंड, तीन सेक्शन बना दे और तीन सेक्शन में 12 सवाल दे, हो सकता है 9 सवाल दे और कह सकता है कि प्रत्येक खंड से एक निबंध को लिखे, ऐसी संभावना प्रबल होगी। और ये पैटर्न अभी यूपी पीसीएस में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये पैटर्न काम कर रहा है, तीन पार्ट में बटा हुआ रहता है, प्रत्येक पार्ट में कई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से एक, प्रत्येक खंड से एक, प्रत्येक सेक्शन से एक सवाल को लिखना होता है, क्लियर। मान लो आपको प्रथम खंड इससे, इस पर्टिकुलर पार्ट से एक सवाल लिखना है, एक दो तीन चार हो गया और चार में से एक चयन करना है, तो जब आप निबंध लिखने जाओगे तो कभी भी मान लो ये आपने पहले वाले निबंध को आपने पढ़ा, तुरंत लिखना शुरू नहीं करना है, कभी लिखना शुरू मत करो। ऐसा ना हो कि निबंध का पेपर मिला और विद इन मिनट्स आपने स्टार्ट कर दिया लिखना तो निस्संदेह गड़बड़ी करोगे। इसका लिखने का थोड़ा ढंग अलग है। निबंध का जब आप पेपर देखोगे, जब आप जाओगे देने के लिए, तो आपको पीछे रफ वर्क भी मिलता है। तो निबंध लिखने के लिए ज़रूरी है कि पहले एक खांचा खींच लो, ढांचा बना लो और बीच के क्रम में उसको भरते चले जाओगे। तो जब भी निबंध की शुरुआत करोगे पहले तो चारों को पढ़ो, अगर चार में से एक लिखना है तो चारों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो पढ़े और ऊपर ही पढ़ के डिसीजन ले लिए। ऐसी बहुत सारे लोग गलती करते हैं एग्जाम में कि पढ़ा लगा कि अरे ये तो लिख लेंगे और तुरंत लिखना शुरू कर दिया, 20 लाइन लिखने के बाद कलम चलनी बंद हो गई, अब वो ऊपर की चीज़ें ही रिपीट हो रही है, फिर वह नीचे वाला पढ़ता है कि तीन और चार में क्या लिखा हुआ था,
तो आप कभी भी ये गलती मत करो कि हर एक साल लोग गलती करते हैं, निबंध का पेपर देखते ही विद इन मिनट लिखना शुरू, कभी मत लिखना शुरू करो। आराम से पहले 10 मिनट 5 मिनट तो लो सेलेक्ट करने में, 3-4 मिनट ले सकते हो सेलेक्ट करने में, चयन करने में कौन सा हमें निबंध लिखना। तो प्रत्येक इस पूरे खंड को, पूरे निबंध को पढ़ो, और जिस पाठ में मान लो कोई राजनीतिक मुद्दे से संबंधित है और आपकी भारतीय राज व्यवस्था आपने ठीक से पढ़ रखी है, तो लिखते वक्त चूंकि आपकी राज व्यवस्था पे अच्छी पकड़ है, तो उस निबंध को आप 700 शब्द 800 शब्द खींच लोगे। और केवल अर्थ समझ में आ रहा है निबंध का और आपने लिखना शुरू कर दिया, तो पता चला कि 2 पैराग्राफ में जो आपकी जानकारी है सिमट गई, अब उसके बाद मस्तिष्क बंद पड़ा हुआ है कि आगे कैसे लिखे हम। तो ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी गलतियां हैं, उनको पहले से अगर आप सतर्क हो तो एग्जाम में नहीं करोगे, नहीं तो एग्जाम में लोग गलती करते हैं अगले साल सुधरते हैं। अपने जीवन को प्रयोगशाला मत बनने दो, जो और लोग गलती किए हैं उनसे सीख लो, और वैसी अगर सीख लोगे तो पहले प्रयास में बन जाओगे SDM, पहले प्रयास में DSP बन जाओगे। जितने पहले प्रयास में बनते हैं इसका मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं की वहाँ पर, नहीं तो धुरंधर जानकार लोग भी गलती करके पीछे आ जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, तो गलती नहीं करनी है कैसे बचोगे, जानो क्या क्या और लोग गलती करते हैं, उन गलतियों से सबक ले लो, ये सुनो। ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट में गलती किए एक टाइप में, अगले अटेम्प्ट में फिर गलती किए, जान तो लो गलतियाँ ऐसी ऐसी होती है। तो आप सतर्क रहोगे तो फिर पहला प्रयास आखिरी प्रयास हो सकता है, ये संभव है। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहे हुए हैं, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो छोटी छोटी बातें उसको ध्यान रखना है कि जब निबंध का पेपर मिले तो सारे निबंधों को पढ़ना है, ये लिख लो आप, सारे निबंधों को क्या करना है। ऐसा नहीं कि 2 पढ़े और उसी में से एक लिखना शुरू कर दो, हो सकता है 4th निबंध आपके लिए बड़ा सूट करता हो और 4th को आपने पढ़ा नहीं, ऊपर ही डिसीजन ले लिया, और ये गलती करते हैं। सारे निबंधों को पढ़ो, निबंध के चयन में 5 मिनट का समय दो, चयन करने में, क्या करने में, इसमें से किसको चयन करना है, इसमें से टाइम दो। अगर आपके बगल में कोई तेजी से लिखना शुरू कर दिया है उसको लिखने दो, आधे घंटे के बाद देखोगे सोच में डूबा हुआ है, तनाव में वो दिखेगा। आप कभी जब प्रैक्टिस यहाँ पे भी करोगे ना तो एक बार इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आया कि हाँ ऐसी गलती वहाँ पे भी, बोलो अनुमान करके चलोगे क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उन गलतियों को यहीं पर निपटा दोगे, वैसी गलती वहाँ पर, तो फिर पहले प्रयास में हिट कर सकते हो। और देखो इस पाठ में बहुत वेरिएशंस होगा, हो सकता है 300 में किसी को 210 भी आ जाए और किसी को 110 भी आए, 100 नंबर तक का हेर फेर हो सकता है किस पाठ में, निबंध के पाठ में। ये गेम चेंजर है, बहुत ही डिसाइसिव है, ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। आप IAS में भी देखो, जो IAS का निबंध है 250 नंबर में किसी को 155 भी आ रहा है और किसी को 75 भी आ रहा है, मतलब 250 नंबर के लॉट में इतना अंतर है कि किसी को 155-60 आ रहा है, किसी को 75 और 70 आ रहा है। फर्स्ट पेपर में ज़्यादा गैप नहीं देखोगे GS के, IAS में जो फ्लॉप हुआ है उसको 102 नंबर है, जो IAS बना है हो सकता है 107 नंबर हो, 112 नंबर हो, मतलब 15 से 20 नंबर के लॉट में सारा वेरिएशन अप डाउन हो रहा है। ज़्यादा पड़ा है तो 116-17 नंबर है, कम पड़ा है तो 105-107 नंबर है, ये दशा है फर्स्ट GS में। बट निबंध में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, नंबर में उतार चढ़ाव हो, वहाँ ठीक से प्रयत्न करना चाहिए। ठीक से पढ़ोगे तो अपर लॉट में आ जाओगे, ऊपर वाले रैंक में आ जाओगे, ऊपर वाले पोजिशन में आ जाओगे, और अच्छे रैंक में निर्धारण में कि अच्छा रैंक मिले आपको, और सिलेक्शन में इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें अच्छा परफॉर्म कर दोगे, मान लो 60% प्लस आ गया, 65% आ गया, जो कि संभव है और आता है, तो फिर तो थोड़ा फर्स्ट सेकंड पेपर में थोड़ा कम भी है उसकी भरपाई यहाँ से कर लोगे। और निबंध में इतनी चीज़ें पढ़नी हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अन्य जगहों पर भी सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो निबंध पढ़ोगे तो इसमें थोड़ी बहुत गांधी की भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और निबंध जब भी लिखो कोई ऐसा निबंध नहीं हो सकता है जिसमें हम गांधी को ना लिखें। किसको ना लिखें,
कोई भी निबंध आ जाए, गांधी की कुछ पंक्तियां बीच में कोट करेंगे ही करेंगे। मान लो महिला संबंधित आ गया, पर्यावरण आ गया, आर्थिक विकास आ गया, न्याय आ गया, अधिकार कर्तव्य आ गया, कोई भी टॉपिक पूछ तो ले, किसको जरूर लिखेंगे। तो हमारा निबंध ऐसे लोगों को लाने से प्रभावी होता है। कोई भी अच्छा लाइन लिखो, गांधी कम भी पढ़े हो, कोई अच्छा लाइन लिखो और लिख दो गांधी ने ऐसा कहा है, किया है, नहीं, गांधी ने सारी अच्छी बातें बोल रखी हैं। ये छोड़ो, दो लाइन अच्छी बात बोलो, कोई अच्छी बात बोल लो किसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बोल लो, कोई भी दो लाइन अच्छी बात, एक लाइन अच्छी बात बोलो। हमें दूसरों पर क्रोध नहीं करना, किसने कहा? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी, किसने कहा? गांधी जी ने सब बोल रखा है। अगर हूबहू उनके स्टेटमेंट को कोट करोगे तो इन्वर्टेड कमा लगा के कोट करोगे, और अदरवाइज कोई भी अच्छी बात हो ना, गांधी जी का भी, गांधी जी भी इस विचार से सहमत हैं कि चार लाइन अच्छी अच्छी बातें लिख लो, ये छोड़ो, एक लाइन आप भी अच्छी बात बोलो, बुरी बात तो निकलने में फटाफट निकलेगा, अच्छी बात क्या जी? हाँ, आपस में समन्वय की स्थापना करने की बात की थी, हम सबको मिलजुल कर समाज में रहना, दूसरे भी धर्म वालों का आदर करना चाहिए। गांधी किसने कहा है? वही आप कहोगे तो ज्यादा प्रभाव नहीं जाएगा, और गांधी कहते हैं इसका मतलब प्रभाव बढ़ गया, ये सुनो। तो हम कई ऐसी चीजों को देखो, अभी जो ये दो दिवसीय हमारी क्लास चल रही है, इसमें तो एक आपको जागृत करना है, आत्मविश्वास देना है कि इस पाठ को हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसको लेकर चिंता नहीं करनी है, इसको लेकर तनाव, जिसको और लोगों को तनाव होना है होने दो, आपको कम से कम इस पर्टिकुलर खंड में तो किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या चिंता या बाहर से बहुत सामग्री को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त सामग्री मैं दे दूंगा, कई सारी चीजों की नोटिंग करा दूंगा विधिवत तरीके से। अब ये दो दिन के बाद गैप हो जाएगा, जब प्रीलिम्स के बाद शुरुआत होगी, है ना, प्रीलिम्स होने के बाद शुरुआत होगी हमारी कक्षा की, तो हम वहां पे फिर विधिवत तरीके से, अभी थोड़ा हम इधर उधर आगे पीछे करते हुए चीजों को बता रहे हैं ताकि ओवरऑल समझ में आ जाए कि निबंध में करना क्या होता है। क्लियर? तो क्या करोगे जब निबंध का पेपर मिलेगा? तो आप सबको ठीक से पढ़ोगे, सारे निबंधों को एटलीस्ट 5 मिनट्स का समय दोगे, केवल सेलेक्ट करने में किस निबंध को, और सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखो जिस एरिया में आपने ठीक से पढ़ रखा है, मान लो किसी ने इंडियन इकोनॉमी ठीक से पढ़ रखा हो और कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई भी अगर आ गया हो, तो आपको लिखते वक्त सामग्री की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी उस एरिया में ठीक से पकड़ है, तो आप घुमाते फिराते सोचोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट निकलता रहेगा और आप उसको 700 शब्दों तक खींच लोगे, क्योंकि जनरली 700 शब्द लिखने की तो आदत नहीं है किसी एक टॉपिक पे, है क्या आदत? कहीं पे लिखना है क्या 700-800 शब्द? और यहां एक टॉपिक विशेष पे 700 शब्द ले जाना है, इसका मतलब कंटेंट वाइज आपको, सामग्री वाइज आपको, उससे संबंधित सामग्री, लेखन सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए, तब 700 से 800 शब्द जाओगे, तो कलम नहीं तो रुक जाता है, तो रुके तो क्या करना चाहिए उसका अलग डिस्कस करेंगे। कलम रुक गई है और फिर आगे खींचना हो तो हम कुछ शब्दों के बारे में सोचेंगे, उन शब्दों को जैसे ही पकड़ेंगे उठा लेंगे फिर से आगे की तरफ, और ये सब निबंध में ऐसी समस्याएं आती हैं। और जब मैं निबंध की चर्चा कर दूंगा तो आप इस क्रम में यूपी पीसीएस वाला भी निबंध उठा के देख लेना, मौका मिले तो आईएएस वाला भी निपटा देना, ये छोड़ो, वो भी आपके रेंज में आ जाए, फिर तो बीपीएससी तो रेंज में निसंदेह रहेगा। जब आप वहां तक पहुंच जाओगे तो हम शुरुआत में सीधे सीधे आईएएस के सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, बट हम क्रमिक रूप से वहां तक पहुंच जाएंगे, शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से करेंगे। छत पे चढ़ना हो तो 8वें पायदान पे पहला कदम पहले ही रखोगे तो आराम से छत पे पहुंचोगे। क्लियर है? तो हम पहले कुछ कुछ छोटे छोटे शब्दों को बताते हैं जो आपकी भाषा में होने चाहिए, आपकी लेखन शैली में होनी चाहिए वो चीजें, तो उन शब्दों को लेकर चल रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करोगे, निबंध का मिलेगा पहले यहां पे देख लो, तो ठीक से
अब मान लो कि एंसर सीट अलग है और क्वेश्चन पेपर अलग है, तो निबंध मान लो आपने लिखा एक का बी, आप ए बी सी डी आ गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और सब में ए बी सी डी ऐसे कुछ कर दिया अगर, तो मान लो वन का ए लिख रहे हो, यस यही कर दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे मान लो बना दिया, तो जब आप लिखना शुरू करोगे, मान लो आपको ये पेज है, कॉपी है, और इसमें लिखना शुरू करो, तो ऊपर में निबंध यहाँ पे ये केवल ये नहीं लिखोगे कि वन ए उत्तर, ये वन ए उत्तर तो लिखोगे, बट निबंध जो पूछा गया उसकी हेडिंग उठा के यहाँ पर शीर्षक देना चाहिए, शीर्षक नहीं दोगे नंबर कट जाएगा। आप एक नंबर लिख रहे हो, मान लो एक नंबर का सवाल लिख रहे हो, ये पहला सवाल है, इसी को आपने उठा लिया, नंबर वन है, तो आप एंसर जब कॉपी एंसर कॉपी है जो आपकी एंसर सीट है उसमें एक लिख कर केवल मत चलो, बल्कि निबंध का शीर्षक उठा के बोलो, तो लिख लो निबंध का शीर्षक अवश्य लिखना है, इसी पे नहीं तो नंबर कट जाएगा, निबंध का शीर्षक अवश्य लिखना है, निबंध का शीर्षक लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो, समझ में आया। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो आपको दिशा देंगे, गलती नहीं करोगे। कई लोग एक, चूंकि हम लोग जीएस में क्वेश्चन को तो उठा के लिखते नहीं है, उठा के लिखते हैं क्या सवाल को, बोलो, आदत बिगड़ी, आदत एक अलग बनी हुई है, वही आदत लोग अपना लेते हैं कहां पर, निबंध में हमेशा शीर्षक होना चाहिए, ध्यान रखना, इस पे नंबर होता है, नहीं तो उतना नंबर डिडक्ट कर देगा। क्लियर? बोलो क्लियर। तो और उससे सेलेक्ट करने में 5 मिनट का समय दो, ये भी लिख लो कि कम से कम 5 मिनट का समय दो निबंध को सेलेक्ट करने में, पढ़ते ही तुरंत में सेकंड में सेलेक्ट मत करो, और कभी करके देखना कैसी गलती करते हो, आपके पास समय पर्याप्त है, कभी ये भी गलती करना और करके देखना कि कैसे कठिनाई आती है, वो कठिनाई आप फील करोगे कि हाँ ऐसे कभी कभी कठिनाई आ सकती है, आ जाएगी। क्लियर है? देखो जब निबंध आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी हेडिंग लिख ली, तो रफ करो, थोड़ा सा आपको पेज मिलता है, आप जब एंसर सीट देखोगे तो लास्ट पेज में रफ वर्क लिखा हुआ है, रफ वर्क वो किस लिए दिया हुआ है, लोग कई लोग तो बिल्कुल रफ नहीं करते हैं, और कई बार मुझे लगता है कि टीचर जो है ना पहले पलट के पीछे देखता होगा कि रफ किया है कि नहीं किया है, और जिसने रफ नहीं किया है, रफ वर्क नहीं किया है, वो निबंध को बहुत बांध के नहीं चल सकता है, कहीं पे भी भटक के डिरेल हो जाएगा। तो आपको काम क्या करना है, इसको हटा लो, ठीक है, ये बाद में लग जाता है ठेका, कई लोग आते ही ठेका लगा लेते हैं, ठीक है, ठेका मत लगाओ। इज इट क्लियर? पीछे ठीक है? बोलो पीछे ठीक। हाँ देखो इधर वाले खुश हैं सब, इन सबको अवसर मिलना चाहिए कहीं पे, तो बस अवसर मिलते ही फिर अलग दिशा में मूव कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब निबंध लिखो तो उसको हमेशा निबंध के तीन पक्षों को ध्यान रखो, एक तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जिसको आप भूमिका बोलो, जिससे शुरुआत करोगे, दूसरा है मध्य भाग, लिख लो आप, और तीसरा है उपसंहार, जो आप निष्कर्ष लिखोगे, तीन भागों में ये बटा रहेगा, और सबसे अधिक विस्तार इसको देना है, सर्वाधिक विस्तार इसको देना है, मध्य भाग में सर्वाधिक विस्तार होगा, और भूमिका और ये जो प्रस्तावना है और लास्ट में जो उपसंहार लिख रहे हो, ये लगभग 8 से 10 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रस्तावना ही 2 पेज में लिख रहे हो, ये काम नहीं करना है, 8 से 10 लाइन में प्रस्तावना लिखो और उपसंहार भी 8 से 10 लाइन अराउंड, एक दो पेज आगे बढ़ सकता है, एक दो पेज आगे बढ़ सकता है, एक दो लाइन आगे बढ़ सकता है, तो ये ध्यान रखना कितने कितने लाइन में लिखोगे भूमिका, और सबसे ज्यादा विस्तार किसको दोगे। कभी भी लिखते वक्त ना पूरा पूरा पेज केवल नोटिंग नोटिंग नहीं होनी चाहिए, लगातार नोटिंग नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ लिख लो, मध्य भाग के नीचे लिख लो छोटे छोटे पैराग्राफ, एक पेज में एटलीस्ट 3 बार पैराग्राफ चेंज करो,
तीन से चार बार करो, नोट करो एक पेज में, जैसे एक पेज लिख रहे हो ना, तीन से चार बार, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठा लेना, प्रैक्टिस जब भी करना हो तो ये काम को लागू करना। कितना पैराग्राफ चेंज करोगे? तीन से चार बार, एटलीस्ट हो सकता है पांच बार हो जाए पैराग्राफ, छोटे छोटे पांच पैराग्राफ आ जाए, चार रखो, मिनिमम तीन रखना, तीन से कम मत करना। ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी हो और पूरी जैसे भरी भरी हो केवल कॉपी, एक एक लाइन आपने जैम पैक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो। छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान रखो, और वो छोटी छोटी बातें सब ध्यान रखोगे तो बड़ा प्रभाव डालेंगे, नंबर पे इफेक्टिव हो जाएगा आपका लेखन, प्रभावी हो जाएगा। क्लियर? इसकी इस प्रस्तावना के लिए ना सबसे अधिक प्रैक्टिस प्रस्तावना की करो। किसकी? जब टीचर आपका निबंध पढ़ना शुरू करेगा, किसी ने सवाल पूछा कुछ? ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो, भूमिका, ये कंक्लूजन है, उपसंहार। जब कंक्लूड कर रहे हो तो कैसे, सबके अपने कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है। उपसंहार लिखते वक्त इसका भी एक तरीका है लिखने का, जब भी उपसंहार लिखो हमेशा गा गे गी में लिखो, हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए में लिखो। कौन सा? बोलो। इसमें नया मुद्दा नहीं खोलना चाहिए कभी भी, लोग लास्ट में जाते जाते फिर कोई नया मुद्दा खोल देते, नया इशू निकाल देते हैं, कभी मत करो। कंक्लूड करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कंक्लूड करने जा रहे हो तो संदेश दे रहे हो। ये जो है ना उपसंहार, एक तरीके से भावात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का हो, कुछ आह्वान मूलक हो, आप आह्वान करें, हमें ऐसा करना होगा, तभी समस्या का सम्यक सम। मान लो भ्रष्टाचार ही लिख रहे हो, बोलो, बाहर की समस्या लिख रहे हो, तो उसमें लास्ट में हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना, अब हमें क्या करना होगा उसको डिटेल से लिखोगे। मान लो पर्यावरण प्रदूषण है तो हम सबको मिलकर इस संदर्भ में प्रयास करना या प्रयास करना होगा, तभी हम इस समस्या का सम्यक रूप से समाधान कर सकते हैं। तो गागे गी में लिखोगे ना, और चाहिए में लिखते हो स्टेटमेंट, तो टीचर तुरंत समझता है इसने पूरे निबंध की स्थितियों को पकड़ रखा है, क्योंकि आप कंक्लूड करने जा रहे हो, यहां कोई नया मुद्दा नहीं खोलना है आपको। समझ में आया? पास्ट वाली बात को रिपीट, कई लोग हूबहू रिपीट करते हैं कंक्लूजन में, नहीं करना है वो काम। हम वह सकारात्मक संदेश देंगे, मैसेज देंगे पढ़ने वाले को, ये सुनो, इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण है, खूब चल रहा है कठिनाई, पूरे वैश्विक स्तर पे समस्या है, कुछ समस्याएं तो वैश्विक समस्या है ना, आतंकवाद कैसी समस्या, जो जाति भेद है ये तो देश की हमारी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, कुछ समस्याएं वैश्विक है, ग्लोबल है, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, शरणार्थी समस्या, कैसी समस्या है, ये सब वैश्विक समस्याएं हैं। बोलो। विश्व इनसे पीड़ित है, विश्व इनसे कठिनाई में है। बोलो। और कुछ समस्याएं लोकलाइज्ड हैं, बाल की समस्या, ये हमारे देश में समस्या है, ये जंगलों में आग, ये भी एक वैश्विक समस्या होती जा रही है कि नहीं है? कई देश जंगल में आग से, भारत में जंगलों में आग उत्तराखंड में कभी कभी लग जाता है, ग्लेशियर का पिघलना लिख देना। क्लियर? पढ़ रखे हो, मैं मानता हूं पढ़ रखे हो, बट अभी पढ़ना पड़ेगा। कई बार लोग बीच बीच में बोलते हैं कि मैंने भी पढ़ रखा है, लोग उनकी ओर घूर कर देखते हैं तो संतुष्टि होती है उसको कि मैंने भी पढ़ा है। ये सुनो, सब आ जाएगा, ग्लेशियर का पिघलना भी आ जाएगा, भूस्खलन भी आ जाएगा, और भी देख लेंगे, ये सुनो, तमाम बातें आ जाएंगी, तो उन पक्षों की भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ध्यान रखना, मार्जिन, पैराग्राफ चेंज करो, लिखना शुरू कर दो,
डिस्टेंस क्या, सम्यक डिस्टेंस, ये तो स्वविवेक से आपको देखना है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस यूज करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे लिखना है ध्यान रखना, जब अब यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तो एक बार इतना जगह छोड़ देना, दो पैराग्राफ के बीच में कितना जगह छोड़ देना, स्पेस में आपके पास ऑलरेडी कॉपी पे बंधा हुआ है, ये तो कॉपी एक साइड में, इधर स्पेस पे इधर में नहीं लिखना है, ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, साइड में नहीं लिखना है। अब आ जाएगा जब आपको कॉपी मिलेगी ना तो वहां पे गलती कर देना, सामने वाला चेक करेगा तो सही कर देगा, ये छोड़ो सुन लो, संयम रखो, कुछ बोलो क्या इंग्लिश में क्यों लिखोगे, देवनागरी में लिख दो। देखो दो चीज होता है, बैठ जाओ आप, लिपि देवनागरी रखो, अंग्रेजी का शब्द उठाओ, अब मीडिया लिख रहा है तो मीडिया को बेसिकली इंग्लिश का शब्द है, उसको सीधे सीधे देवनागरी लिपि में लिख दो, क्या लिख दो, मीडिया। अब ब्लैक बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो श्याम पटना लिख के ब्लैक बोर्ड अंग्रेजी का शब्द है, उसको देवनागरी लिपि में लिखो आप हिंदी मीडियम के हो, लिपि देवनागरी रखो ना, क्या दिक्कत है, एक्सेप्टेड है। इतनी भी छोटी चीज को लेकर वो हिट नहीं करेंगे आपको कि आपने एकदम अनर्थ कर दिया, आपने बिल्कुल निबंध का खराब कर दिया, बली सोच रखते हैं वो। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बोधगम्य हो, प्रवाहमय हो। आप जानबूझ के वहां एमी डी आई ए लिखोगे, देवनागरी लिपि में लिख रहे हो और बीच में आप रोमन स्क्रिप्ट लाओगे तो सामने वाला तो रिएक्ट करेगा, स्क्रिप्ट समझो, लिपि देवनागरी लिपि में लिखते हो ना, तो आप मान लो कोई ये इंग्लिश वर्ड्स है उसको आप कौन सी लिपि में लिख दो, देवनागरी लिपि में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले यस और नो। तो ये समस्याओं का समाधान होता रहेगा बीच बीच में, क्रमिक रूप से देख लेंगे, बोले गहनता के साथ ये बैठे हुए, सोच में डूबे हो, सोच में नहीं डूबना है, ध्यान रखना, खोना नहीं है। तो इसकी देखो, सारे लोग ध्यान रखो, प्रस्तावना के लिए विशेष एफर्ट करो, इसकी विशेष प्रैक्टिस करो। जब शिक्षक जो इवैल्यूएटर है आपके निबंध को पढ़ना शुरू करेंगे वो, तो आपकी भूमिका को वो एक एक लाइन पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल वे में पढ़ेंगे। अगर आपको 50 निबंध दे दिया जाए ना, तो 10-20 निबंध तो हो सकता है कि आप खूब जोश में आके एक एक लाइन पढ़ो, पूरा पूरा निबंध पढ़ो, 10-12 निबंध पढ़ने के बाद 11वें निबंध पे क्या करोगे, भूमिका एक एक लाइन पढ़ोगे और बीच में ऐसे नजर डालोगे, सरसरी निगाह, कौन सी निगाह, वर्टिकल वे में लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर इस वाले पार्ट को ठीक से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे क्या ये लिख रहा है, और अगर पहला इंप्रेशन ठीक पड़ता है तो दिमाग में आ जाता है इसने निबंध भी ठीक। अब बाढ़ का कारण परिणाम तो सब लोग कॉमन टाइप से लिखेंगे ना, कोई एकदम अद्भुत लिख देगा, उसी चीज को थोड़ी बहुत प्रस्तुति में अंतर होगा, ऐसा नहीं कोई अद्भुत कारण ढूंढ कर लेता है, कॉमन टाइप की बातें आएंगी। बट यहां पर कंक्लूड करते वक्त दो चीजों की स्पेशल प्रैक्टिस करो, किसकी, और इसको सामने वाला एक एक लाइन पढ़ेगा, और दो चीजें अगर पढ़ ली जाए ना ठीक से तो उसके बारे में 10 चीजें बताई जा सकती है, कौन सी दिशा में निबंध लिखा होगा। मान लो बीच का हमने पढ़ा ही नहीं, तब पर भी उसके बारे में बताया जा सकता है, इसने निबंध की प्रैक्टिस कर रखी है कि नहीं कर रखी है, केवल किसको पढ़ गए। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है डिटेल से, तमाम संभावित पक्षों को देना है, और सबसे अधिक बल भी, बोलो सबसे अधिक बल भी इसी पे देना है, बोलो। मान लो महिला सशक्तिकरण के उपाय पूछ दे तो बीच में लोग नाना प्रकार का उपाय लिखेंगे, और टीचर आप 20-20 पढ़ने के बाद 21वां पढ़ेगा उसको तनाव हो जाएगा, कितना सशक्त करेगा, पढ़ते पढ़ते एक ही टाइप की चीजें आएंगी ना, लगभग कॉमन टाइप की चीजें आएंगी, बोलो। तो वहां पे पढ़ने का हो सकता है चेकिंग करते वक्त तो अपनी स्थिति बदल दे, ये संभव है, ध्यान रखना, मगर ये दो पक्ष जरूर, और एक नजर सरसरी निगाह से भी देखने से लग जाता है कि आपने विभिन्न पक्षों को लिखा है, सारे पक्षों को आप कवर, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको हॉरिजेंटल वे में
एक एक चीज को समानांतर तरीके से पढ़ते चला जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो आपको विशेष ध्यान, इंप्रेशन ठीक हो, और लास्ट में मार्किंग करने से पहले, मान लो फाइनल मार्किंग करने से पहले कंक्लूजन पढ़ रहा है, और कंक्लूजन पढ़ते वक्त फिर से आपने एकदम लेवल पे पहुंचा रखा है तो खुश हो जाएगा। और लास्ट में जाते आप बिखर गए हो, तो बीच में आपने अच्छा लिखा और लास्ट में जब वो मार्किंग लिखने जा रहा है कितना नंबर दे, तो लास्ट का पैराग्राफ देख रहा है कि इनका तो लेवल ये तो बिखर गया है, पक्ष से दूसरी दिशा में चला गया है, तो वहीं पे उनको बोलो। तो दो चीजों को बारीक से ध्यान, और हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 20-25 तो यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे सारे लोग, आप लोगों से लिखवाएंगे हम, और बाद में हम उसका मॉडल आंसर भी दे देंगे कि देखो इस मॉडल आंसर से अपने को मिला। क्लियर है? वो जब पीटी के बाद जब मैं आऊँगा तो विधिवत तरीके से, अभी ओवरऑल कई चीज़ों को मैं हिंट दे रहा हूँ। क्लियर? जैसे कुछ शब्दों को देखो, आप इस शब्द पे हमेशा 2 लाइन 3 लाइन लिख सकते हो, शब्द को ध्यान रखना गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कौन सा शब्द लिखो, शब्द को लिखो गुणात्मक और मात्रात्मक। कई लोगों की भाषा में चाहे उसको कहा जाए 50 पेज लिखो, ये दोनों शब्द नहीं आएंगे, ये सब लेबल के शब्द हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपकी भाषा दिखेगी कि बड़ा मजबूत समृद्ध भाषा है। कौन सा शब्द? गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब देखो, गांव गांव में स्कूल खुल गए, गांव गांव में हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, तो मात्रा तो बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, परंतु वहां की गुणवत्ता। तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को लेकर गांव में मात्रात्मक परिवर्तन तो हुए हैं, परंतु कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं। स्कूल है वहां पे फैसिलिटी ठीक से नहीं है, हॉस्पिटल से वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है, ये छोड़ो। तो गांव के लोगों को स्कूल शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के इलाज के लिए बार बार शहरों का रुख, तो गांव की समस्या भी आ गई। मान लो गांव की प्रमुख समस्या है, तो दो तो प्रमुख समस्याएं हैं ही ना, बोलो ये छोड़ो। पूरे इंडिया में देख लोगे तो गांव की समस्या है हेल्थ और एजुकेशन, और गांव के लोगों को कहां भागना पड़ता है, शहर की ओर। तो जो शहर की तरफ पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक उपाय, दो उपाय तो करो, एक तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक करो, गुणवत्ता सुधारो, और दूसरा। तो ये निबंध में कोई मिल गया कि शहरों की तरफ पलायन, गांव से शहरों की तरफ पलायन को रोकने के लिए क्या करोगे, तो उसमें कौन सा शब्द, गुणात्मक और मात्रात्मक। ध्यान करना, गुणात्मक और केवल संख्या बढ़ा देने से, खूब स्कूल खोल देने से क्या शिक्षा सुधर जाएगी? खूब हॉस्पिटल बना देने से शिक्षा सुधर जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा सुधर जाएगी? तो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, ये छोड़ो। गुणात्मक उत्थान या गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटी ठीक नहीं है वहां की, ये छोड़ो। तो गुणात्मक परिवर्तन भी अवश्य होना, और जब मात्रात्मक और गुणात्मक उत्थान दोनों होगा तो विकास होगा। तो क्या होगा? विकास का मतलब ये नहीं कि केवल स्कूल खोल दें, हॉस्पिटल्स बना दें, फैसिलिटी ठीक नहीं हो। तो वास्तव में विकास कब होगा? जब मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन हो। मान लो विकास पे लिख रहे हो सवाल, बोलो। इसको वहां से अभी लिख रहे थे शिक्षा में और स्वास्थ्य में, उठा के लेते गए विकास पे। हम शब्दों से खेल सकते हैं, और शब्दों से खेलने की आदत डाल लो, इससे आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी। और ये यहां पे ठीक से काम कर लोगे, जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, इंटरव्यू में भी जाओगे ना, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे जो प्रभाव डालने वाले शब्द है। नहीं तो लोग शब्दों का प्रयोग करना जानते ही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द, सतही शब्द उनकी भाषा में, उनके उन वही शब्दों से परिचित है, घुमा फिरा के वही शब्द यूज करते हैं। अच्छे प्रभावी शब्दों को अपने लेखन में लाओ, ये छोड़ो। आप कितना पढ़े हो, आपके बारे में आपको कितना नंबर मिलेगा, किस आधार पर तय होता है? आपने कॉपी में लिख दिया, आपने कॉपी में लिख दिया खूब अच्छे से, आपसे सीधा टीचर वार्तालाप थोड़ी ही कर रहा है। आपने कॉपी में लिख दिया टीचर के पास, घर पे वो चेक कर रहे हैं या सेंटर पे चेक कर रहे हैं,
आपके लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहे हैं वो, बोलो, आपके कथनों को, वक्तव्यों को, मंतव्यों को पढ़ते हैं वो, और पढ़ने के बाद मार्किंग कर रहे हैं। तो आपके और उनके बीच रिलेशन किसके माध्यम से हो रहा है? इन शब्दों के माध्यम से। और अगर अच्छे प्रभावी शब्द आपने लिख दिए, अच्छे प्रभावी लाइन्स लिख दिए, सामने वाले को अनुमान लगाएंगे बहुत अच्छा लड़का है ये, या बहुत अच्छे तरीके से इस गर्ल्स ने लिख रखा है, पता नहीं चलता वैसे, बट फिर भी एक इंप्रेशन जाएगा। किसके माध्यम से इंप्रेशन जमाओगे? अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों के माध्यम से। वो इम्पैक्ट डालेगा उनके मस्तिष्क पे कि इस लड़के ने बहुत, तो शब्दों पे स्पेशल काम करो ना। कैसे कोई रोक देगा आपको? रोक नहीं सकता है कोई। ये मैटर नहीं करता है कि कम सीटें हैं अधिक सीटें हैं, आपने अगर ठीक से काम कर रखा है आप सिलेक्ट होने जा रहे हो। आपने प्रभावपूर्ण भाषा इस्तेमाल की, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, कॉन्टेंट वाइज स्ट्रांग हो, फिर तो पढ़ेंगे तो नंबर देंगे ना आपसे सीधे सीधे। हो सकता है आप सीधे बात करते तो आपसे प्रभावित होकर नंबर दे देते कि तो बहुत पढ़ा है इसने, बट ऐसा तो नहीं है। बोलो, नंबर किसके माध्यम से मिल रहा है? आपके लेखन के माध्यम से। तो लेखन को परिष्कृत करो ना, वही जा रहा है टीचर के पास। शिक्षक के पास क्या जा रहा है? लेखन जा रहा है, उसके आधार पर वो मार्किंग कर रहे हैं। इस पर आपको विशेष एफर्ट करना चाहिए। किसके ऊपर? और निबंध में प्रयास करना, अगर आप सारे लोग एफर्ट करोगे तो निस्संदेह हमारी उपस्थिति में वो चीजों में सुधार हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा, परिवर्धन होगा, और उसका प्रभाव आपके पूरे पूरे लेखन शैली पे पड़ेगा। प्रभावी लेखन शैली का होना सफलता के लिए आवश्यक है, और वो एक अच्छा अवसर मिल गया है निबंध के माध्यम से। उस चीज को सुधार लो जिस पे अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी तक ध्यान नहीं दिया है, अब ध्यान दे लो, मेरी उपस्थिति में दे लो। कौन सा शब्द? गुणात्मक। और इसको माथे पे क्यों रखे हो? अभी से चिंता हो रही है? सर पे हाथ रख कैसे सोच रहा है? यहीं पे हो गए, कहीं पे चले गए थे? यहीं पे थे। कौन सा शब्द था ये बताओ? गुणात्मक और अंग्रेजी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। इस पे कई बार लाइन बना सकते हैं। जब हम निबंध की बात करेंगे ना, तो निबंध लिखते वक्त हम बताएंगे कि गुणात्मक, और मान लो बीच में आप लिख रहे हो, मध्य भाग में कलम स्टॉप हो रही है, कलम आगे नहीं बढ़ रही है, हम कुछ शब्दों के बारे में सोचेंगे, रास्ता तुरंत मिलेगा, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, ऐसे कुछ 100-200 शब्दों को अपनी भाषा में लाओ। जैसे मैं कुछ ऐसे शब्दों को इंडिकेट कर रहा हूं, अनिवार्य और पर्याप्त, अनिवार्य और पर्याप्त, नेसेसरी एंड सफिशियंट। अब बोले कि दोनों को एक साथ एक भाषा में एक लाइन में इस्तेमाल करके दिखाओ, अनिवार्य और नेसेसरी, और दूसरा है सफिशियंट। कौन सा शब्द है? सफिशियंट। बोलो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनों का होना, परंतु पर्याप्त केवल कानून होने से रुक जाएगा, बल्कि उन कानूनों का ठीक से क्रियान्वयन करना भी अति आवश्यक है। ये छोड़ो, मान लो भ्रष्टाचार पे लिख दिया अनिवार्य और पर्याप्त, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना, परंतु केवल जागरूक होने से हो जाएगा? बोलो, विपक्षी दल का भी होना जरूरी है। ये छोड़ो, पारदर्शिता का होना जरूरी है, परंतु यही पर्याप्त है क्या? बल्कि इसके साथ साथ जो लोकतंत्र की सफलता में साधक अन्य तत्व हैं उनको भी साकारित करना होगा। ये बोलो, वायु आपके लिए अनिवार्य है कि पर्याप्त है? पर्याप्त है। क्या है? जरूरी है, परंतु केवल वायु होने मात्र से आप जीवन जी लोगे क्या? पर्याप्त नहीं है ना, अनिवार्य है, पर्याप्त। शब्दों की बारीकियों को देखना, ऐसे शब्दों को अपनी भाषा में और प्रयोग करके दिखा देंगे। निबंध लिखेंगे और देखो अनिवार्य और पर्याप्त में हम खेल रहे हैं, और इस शब्द पे जैसे ही आएगा, और टीचर अगर पढ़ रहा हो आप अनिवार्य और पर्याप्त शब्द से खेल रहे हो बेसिकली, कैसे प्रभावित सामने वाला नहीं होगा? आईएएस में लिखोगे तो प्रभावित हो जाएंगे, यहां पे भी तो प्रभावित होंगे। बोलो, और 300 नंबर का निबंध है, अभी किसी भी स्टेट पीसीएस में 300 नंबर का निबंध नहीं है,
इन लोगों ने विवश कर दिया कि रट के बहुत आ जाते हैं, इनको पहले रोको, रट लेते हैं वहां पे जाकर छाप देते हैं और निबंध में मुश्किल हो जाएगा। रट चाहे जितना निबंध रट लो, वहां पे हो सकता है कि एक भी रटा हुआ ना मिले। और आईएएस में सिविल सर्विसेज में दिखा दिया है, पिछले दो साल का देखो ना, एक से एक ऐसे निबंध है, लोगों ने 100-100 निबंध की प्रैक्टिस कर दी, एक नहीं आसपास मिला है निबंध। ये दशा रही है आईएएस में, यहां पे भी संभव है कि नहीं है? लाने का प्रयोजन तो यही है ना कि मौलिकता बनी रहे लड़कों की, तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शब्दों से खेलते रहो और लिखते रहो। कौन सा शब्द हमने लिखा? अनिवार्य और पर्याप्त। जैसे मान लो पर्यावरण की रक्षा लिख रहे हो, कोई भी सवाल लिख रहे हो, हमारे जीवन के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना, ये सुनो, परंतु केवल अधिकार हो, आपको अधिकार मिल गया, आपको अधिकार दे दिया गया, और मैं हूं दबंग, मैं आपके अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दूं, औरों को अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, ये सुनो, केवल अधिकार देने मात्र से नहीं होगा। आपको अधिकार है सड़क पर चलने का, अधिकार है ना, परंतु अधिकार आपका कब सुरक्षित होगा? जब सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन करे। आपको अधिकार है सड़क पे चलने का, और कोई सड़क पे जिगजैग तरीके से चलने लगे तो आपका अधिकार तो खत्म, बोलो। तो दूसरे का कर्तव्य है, दूसरे का क्या है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन, आप अपने अधिकारों को एंजॉय कर सको, ये छोड़ो। एक का अधिकार दूसरे के प्रति कर्तव्य है, अधिकार और कर्तव्य पे सवाल आ सकता है, बोलो। ध्यान रखना, स्तर थोड़ा अलग रहेगा, ये छोटे छोटे चीजों को तो निपटा ही लेंगे, छोटे छोटे चीजों को तो वैसे ही बुला लेंगे हम लोग, और ऐसे शब्दों को थोड़ा, ऐसा नहीं कि मैं कौन सी दुनिया में चला गया हूं शब्दों से खेल रहा हूं, इन शब्दों की प्रैक्टिस करा देंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करा देंगे, समझ में आया? बीसियों बाद प्रैक्टिस करा देंगे अनिवार्य और पर्याप्त से कैसे खेलोगे, बोलो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये तो शब्द लिखो, पूरी लाइन को नोटिंग करा लेंगे, मैटर अलग से दे देंगे, और तब जाके देखोगे आपके भीतर कैसे परिवर्तन आता है। ये जब तक और तब तक से खेल सकते हो, किससे? जब तक और तब तक, जब तक और जब तक हम लोग सभी लोग मिलके पर्यावरण की रक्षा का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण जब तक और कोई निबंध बोलो, जब तक और तब तक से हम लोग जोड़ सकते हैं, किससे? जब तक और केवल और बल्कि से जोड़ सकते हैं। अब ध्यान रखना, कैसे खेलना है ये हम लोग देखेंगे, केवल और बल्कि, अभी हम दिखा रहे हैं ना, कोई निबंध बोलोगे हम उसको जोड़ना शुरू कर देंगे, 20 निबंध बोलेंगे लाइन से, निबंधों को हम जोड़ना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमको इस दिशा में जोड़ना है, आपकी अपनी भाषा हो गई, बोलो। जब तक और तब तक, कोई निबंध बोलो, फ्री हो, यू ऑल आर फ्री। हाँ, जब तक बिहार का विकास, तब तक भारत का समुचित विकास, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक समाज समृद्ध नहीं होगा, जब तक अपराधियों पे लगाम ठीक से नहीं लगाई जाएगी, तब तक शांति और व्यवस्था की स्थापना, बोलो। जब तक लोकतंत्र के मूल्यों को हम वास्तव में साकारित न करें, तब तक जनता का वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, ये सुनो। जब तक हम सब लोग मिलकर पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता और सहभागिता नहीं करेंगे, तब तक हम इसके खतरे को कम नहीं कर सकते। जब तक और 20 टाइप का लाइन बनाएंगे, केवल शब्द तो स्ट्राइक कर दे कौन, देखो शब्दों पे उतर कर खेलना एक अलग स्तर की बात होती है। हाँ, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल, वेरी गुड, ताली बजाओ इनकी बात पे। तुम उसे कंपटीशन है क्या आपका, बजाना चाहिए ना, मतलब इन लोगों में कम नहीं है कि उनकी बात पे क्यों ताली बजे, हम नहीं बजाएंगे, ऊपर वाले भी खुश है, सब फोटो बना के डाल रहे हैं, वाह, वो 4 फ्लोर पे बैठे हुए ना ऊपर में,
तो सारे फ्लोर वाले, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप सारे लोग बैठे हो, आनंद लेना और शब्दों की बारीकियों को देखना और शब्दों को प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपके अंग बन जाएंगे, अभिन्न अंग बन जाएंगे, आपकी भाषा के अंग बन जाएंगे। समझ में आया? ये छोटे छोटे शब्द हैं, आपकी भाषा में प्रभाव डाल देते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सा? बिल्कुल सही, कितना बढ़िया लाइन बोले हो, पहली बार बनाए ना लाइन। तो ऐसे अगर आपने लाइन बनाना शुरू कर दिया तो ऐसे ही दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन बनाते बनाते आप सैकड़ों लाइन बना सकते हो। ये अलग स्तर का गेम है, इसके इर्द गिर्द फटकना भी किसी के लिए वक्त लगेगा, जो मैं बता रहा हूं, इर्द गिर्द फटकना, उनको वर्क करना पड़ेगा बहुत। आपने बहुत सुना होगा ऐसे निबंधों के बारे में, बट हम जो बता रहे हैं अलग प्रभाव डाल देगा। पहले मैं जो क्लास लेता था उसमें केवल मेंस देने वालों को परमिशन रहता था आईएएस में, बाद में हमने उसको ओपन कर दिया, क्योंकि मैं शब्द बताऊंगा, नया कोई बच्चा होगा उसको लगेगा केवल शब्द बता रहे हैं, ये तो लाइन लिखवाते नहीं है। इससे आपका, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। ऐसे शब्दों को ऐड करो। कौन से शब्दों को? जब तक और तब तक। और कितने लाइन बना सकते हो? यस और नो? केवल गांधी को आदर्श के रूप में मानने से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनके अनुसार हमें आचरण भी। केवल बली बली बातें करने से और दूसरों को दोष देने से समस्या का समाधान, बल्कि हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करना। कई बार हम सरकार को दोष देते रहते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार, पर चुने तो आप ही सारे लोगों ने है ना। केवल दूसरों को दोष देने मात्र से समस्या का समाधान, बल्कि हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना, तभी पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते। हमेशा हम दूसरे को बोलते हैं उसको ये करे वो करे, और आप क्या करोगे? ये सुनो, शब्दों पे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब दूसरी बार आएंगे तो लगातार मेरी उपस्थिति रहेगी, एटलीस्ट 10 डेज तो रहेंगे, उसके बाद फिर से ब्रेक देके फिर उपस्थिति रहेगी। इस पाठ की जिम्मेदारी है, और मैं भी चूंकि 30 सालों से तो मैं लगभग दिल्ली ही रहा है मेरा सेंटर, तो जब यहाँ आया हूँ तो कुछ प्रभाव मैं भी डालूँ, पढ़ाने का, इतने बड़े जनसमूह को पढ़ाने का एक अलग आनंद आता है। तो अतिरिक्त समय भी दे दूंगा कि आप सारे लोग उसमें अच्छे से कार्य करें, और मेहनत करना। मैं जब आऊं तो साथ साथ वर्क करो घर पे, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे निबंध पढ़ा रहा हूँ और घर पे जाके आप साइंस टेक पढ़ रहे हो। कई लोग ये गलती करते हैं, और जब यहाँ साइंस टेक चल रहा हो तो रूम पे निबंध पढ़ रहे हो। जब मैं निबंध पढ़ाऊँ रूम पे भी जाकर निबंध से संबंधित काम कर रहे हो, दिन भर कुछ दिन समय दे दो, 300 नंबर का है। मैं 2 घंटा यहाँ पढ़ाऊँ, 4 घंटा रूम पे, आप केवल निबंध से संबंधित कलेक्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइन बना रहे हो, इस पे 20-20 लाइन बना रहे हो, आपकी लेखन शैली अलग दिशा में डेवलप हो जाएगी, ये ध्यान रखना। स्पेलिंग, वो स्पेलिंग के लिए अलग वाले बता देंगे, मैं स्पेलिंग तो नहीं बताऊंगा। स्पेलिंग और शुद्धि कैसे होती है वो, उसके लिए अलग क्लासेज होती हैं, वहां पे जाके आप सुधारोगे। हम तो भाषा से खेलने की बात बताएंगे, कैसे शब्दों से खेलोगे, अब अनिवार्य लिखोगे स्पेलिंग में, वो देख देखो, वो प्रैक्टिस से होगा। जो लोग देखो बहुत सारी चीज़ें स्कूल से, जिस स्कूल से लोग पढ़ के पास आउट हुए हैं, बहुत स्कूल की अच्छी स्थिति नहीं है, अशुद्धियाँ, शाब्दिक अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, उसके लिए आप अच्छी किताबों को पढ़ो, उनसे देखो बार बार, और प्रयास करो आपस में लिख लिख के एक दूसरे से चेक कराए, फ्री हैंड, किताबों से नोटिंग करके नहीं, फ्री हैंड लिखो। क्योंकि ध्यान रखना, निबंध में अगर भाषाई गलती होगी, अगर लिंग्विस्टिक फॉल्ट होगा, तो यहाँ पर टीचर रिएक्ट करेगा। अगर आपने जीएस में कोई शब्द गलत लिख दिया, हलसीकार के बदले दीर्घीकार, अनुस्वार छोड़ दिया, हलंत छोड़ दिया, तो टीचर रिएक्ट नहीं करता है। बट निबंध में भाषा की शुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ अगर भाषा अशुद्ध हुई, मतलब या तो कॉन्सेप्ट की गलती हो, लैंग्वेज आपका भाषा टूट जाए, भाषा टूट जाए, या फिर शाब्दिक गलतियां हो, उस पर भी रिएक्ट करते हैं टीचर्स। तो शाब्दिक रूप, शाब्दिक भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।
ऐसा नहीं हलसी काल के बदले दीर्घी काल कर रहे हो, हलसू काल है दीर्घ काल करोगे तो फिर टीचर इस पर रिएक्ट करेगा। जीएस में सामान्यतः नहीं रिएक्ट किया जाता है, बट निबंध में बोलो निबंध में रिएक्ट करेंगे, वो बिल्कुल पाठ है। और शुद्धि पे भी नंबर होता है, जैसे हमने कहा हेडिंग शीर्षक दो, उस पर नंबर होता है। शाब्दिक शुद्धि अगर है पूरा तरीके से, कहीं पे कोई हलंत जहां पे अनुस्वार आ रहा है वो भी ठीक से लिखे हो, उस पर भी नंबर रहता है। और वो भी गलती हो रही तो उस पर डिडक्ट करेंगे, कट करेंगे आपके नंबर को, नीचे लाएंगे। तो इसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो, आपस में मिल के दो चार लोग मिल लो, थोड़ा हिंदी को ठीक कर लो, जिसको अंग्रेजी मीडियम में थोड़ा पेपर को ठीक से पढ़े, तो गलतियाँ ये सब दूर हो सकती। इसमें आपकी अपनी भूमिका ज़्यादा प्रबल है, बजाय कि आप तीसरे चौथे के, क्योंकि ऐसी चीज़ों में दूसरा तीसरा भी ज़्यादा आपको मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपने से कम स्पेलिंग वाली बात तो ठीक करनी पड़ेगी, और जब यहाँ टेस्ट दोगे तो टेस्ट में गलतियाँ निकलेंगी, उससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ हो रही है। तो केवल और बल्कि से बहुत सवाल बना सकते हैं, कोई नया सवाल कोई लाइन बना के दिखाओ, फिर से बोलो आप। बिल्कुल सही है, केवल कानून बनाने से महिलाओं का महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती, बल्कि महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता में भी परिवर्तन लाना होगा। देखो ये पाठ खुश हो गया, ये पाठ नाराज हो गया, पुरुषों की मानसिकता में भी परिवर्तन लाना, केवल और बल्कि से जोड़ दिया ना, बोलो। तो जितने निबंध है, दो लाइन तो निकाल दिया ना आपने, सटीक निकाला ना। अब ऐसे शब्दों से खेलते खेलते आप इतना लाइन निकाल दोगे, 500 लाइन निकाल सकते हो, और ये आपके लेखन कला का एक पार्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ बिल्कुल, देखो वेरी गुड। देखो फिर से बोलो, जला तुम्हारी बात एक टेप हो जाए, जला इसकी बात को टेप करो आप, बोलो फिर से। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो दिल्ली तो मिलते रहते कई सारे लोग थे कि आ जाएं कभी पटना, वो क्लास ले लें, बट ऐसा अवसर और ऐसा उस समय इच्छा प्रबल हुई नहीं कि जाना है। खान जी से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे, मैंने फिर सहमति बनी आपस में, और उन्होंने कहा कि बच्चों का कल्याण होगा, और जो भाव भी था ना उसमें कल्याण परक भाव भी है कि एक तरीके से बच्चों की स्थिति में सुधार हो। तो मेरा भी प्रयास है कि इस प्रयोजन में, उनके इस प्रयोजन में जो सहयोग है, मेरा सहयोग उनके साथ रहे। क्लियर? किसी ने सवाल पूछना है पूछ लो। बिल्कुल, केवल पढ़ने मात्र से केवल पढ़ने से, केवल किताब पढ़ने से सुधार नहीं होगा, बल्कि पढ़ी गई बातों को आत्मसात भी करना। बोलो ये सुनो, केवल पढ़ने मात्र से सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि पढ़ी गई बातों को लिखकर अभ्यास भी करना। केवल और बल्कि ला दिया ना, कितने लाइन बना सकते हो, कौन सा ऐसा निबंध है जिसमें बना नहीं सकते हो, ये आप भाषा में लाओ तो, और धीरे धीरे आपकी भाषा इतनी समृद्ध हो जाएगी छोटे छोटे चीजों से खेलते खेलते। और ये शब्द आप अपने स्टॉक में रखो। मैं तो देखो आज की क्लास अभी दो दिवसीय क्लास थी, केवल ये जताने के लिए कि आप निबंध में निश्चिंत रहो, भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने वाले यहाँ पहुँचेंगे, खोजते खोजते पहुँचेंगे, ये ध्यान रखना। और जब आप उनसे कहोगे किसी निबंध पे लिखो, तो उनको आपकी बताई गई बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगी, नहीं तो लाइन लाइन नोटिंग करा दें केवल और आपको दे दें कि इसको रटो आप, तो कैसे मौलिकता आएगी। मैं जो सब बता रहा हूँ आप अपने तरीके से लाइन क्रिएट कर लोगे और आपका लाइन यूनिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बट लाइन कैसे क्रिएट करोगे मैं टिप्स बता रहा हूँ, उस टिप्स को पकड़ो फॉलो करो, और अनुभवी लोग होंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित होंगे।
नहीं, कहीं कहीं पे जनरली हम निबंध में अवॉइड करते हैं वैसी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, बात समझो, अनुभव इतना रहता है शिक्षकों को चेकर का कि एक नज़र केवल कॉपी पे डाल दी जाए ना तो पकड़ में आ जाता है कि इनका लेवल क्या है। एक पेज को खोलते ही उसकी नज़र पड़ जाएगी, यहाँ यहाँ गलती किया इसने, इस सेकंड लगता है पकड़ने में। और सारे टीचर बड़े अनुभवी हैं, वो अनुभव है ना, कई सालों से चेक कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति ठीक रहती है। ठीक है, वो बोल रहा है मैं बेगूसराय से हूँ, ठीक है, अच्छी बात है बेगूसराय से हो तो मैं उसमें क्या करूँ। मैं क्या कर सकता हूँ बेगूसराय से हो तो। ठीक है, इसलिए ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा वो इधर दिशा में ले जाता है। अब यहां बैठा है तो अपने जिले को याद करो, यहां बैठे हो तो सुनो और उसको क्या करो, हृदयंगम करो। कहां बैठाओ, भीतर बैठाओ, फायदा देगा। जैसे मान लो ये सतत विकास है, हो सकता है आपको मिल जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई सारे निबंधों को आप सतत विकास से जोड़ सकते हो। किससे जोड़ सकते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सतत विकास पढ़े होगे, वैल्यू एडिशन मैं करा रहा हूं, कुछ पे कुछ नया कैसे जोड़ दोगे? क्या है सतत विकास? हैं? ठीक है, प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया, उसके बाद एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली, ठीक है, अच्छी बात है, लगातार चलती है। उसके बाद देखो, हम वर्तमान एक ऐसा कहा जाता है, हम इसको विस्तार तो जब पढ़ेंगे, इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, साइंस टेक में भी पढ़ोगे, साइंस में भी जाओगे। देखो, अधिकार और कर्तव्य में, अधिकार में ये सस्टेनेबल सतत विकास में ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से करें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के जीवन जीने की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ये स्वर्णो, हम अंधाधुंध शोषण नहीं करें। ऐसा नहीं कि सब हम ही लोग लूट लें, उपयोग कर लें और अगले आने वाली पीढ़ी हमारी उसके जीवन जीने की संभावना पर असर पड़ जाए। तो हमें संयमित दोहन करना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्निक से करना चाहिए। ये सोड़ो, और सतत विकास लिखो अगर, ये तो मिल जाता है, इतनी बातें तो मिल जाती है किताबों में खूब। यस, सतत विकास लिखो तो इसको जोड़ दो किससे? अधिकार और कर्तव्य से। किससे जोड़ो? अधिकार और कर्तव्य से जोड़ो। ये बताओ, भावी पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं है? भावी पीढ़ी को जीवन जीने का अधिकार है, बोलो। तो इस पीढ़ी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, पर्यावरण को पूरी तरीके से नष्ट न करे। ये सुनो, अगर एक पेड़ काटे तो दो पेड़ ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो इसमें वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य, कौन सी पीढ़ी, और भावी पीढ़ी का अधिकार, ये भावना सन्निहित है किसमें? अब मान लो कहीं मौका मिल गया, पर्यावरण से संबंधित कोई सवाल मिल गया, तो सतत विकास तो जरूर लिखोगे, बोलो। विकास, विकास बनाम विस्थापन बनाम पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास, खूब डिबेट हो रहा है कि हम विकास की गति को बनाए रखें या पर्यावरण को संरक्षित करें, विकास को कम करें, बोलो। तो आया है सतत विकास, कौन सा विकास, बोलो कौन सा विकास? विकास करें परंतु अंधाधुंध तरीके से प्रकृति का शोषण। भावी पीढ़ी का क्या है, कौन सी पीढ़ी, सारे लोग बोलो कौन सी पीढ़ी, उसको क्या है अधिकार है? क्या, किस चीज का अधिकार है? जीवन जीने का, ठीक से जीवन जीने का। ये सुनो, तो वर्तमान पीढ़ी का क्या है? आप भी बोलो, बोलने में दिक्कत है क्या? वर्तमान पीढ़ी का क्या है? बोला जा सकता है, बोल सकते हैं हम लोग, बोल के उसको आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न करे, पर्यावरण को विषाक्त न करे। ये सुनो, एक पैराग्राफ निकालोगे, पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, बोलो, क्योंकि अब अधिकार और कर्तव्य से खेल रहे हो।
और अधिकार मान लो ये तो अलग पार्ट हो गया अधिकार और कर्तव्य, हो सकता है अधिकार और कर्तव्य पे आपका सीधा सीधा निबंध आ जाए। तो ऐसे जो शब्द है ना, अधिकार किसे कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, इस सब चीजों को बड़े ठीक से जान लो, छोटे छोटे शब्दों की सटीक पकड़ बना लो। अधिकार अधिकार खूब लोग कहते हैं, अधिकार होता क्या है? अधिकार ऐसे सामाजिक दावे हैं, अधिकार क्या है? सामाजिक दावे हैं जिसको राज्य मान्यता प्रदान करता है। क्या करता है? और सरकार उन अधिकारों का संरक्षण करती है। क्या करती है? राज्य मान्यता प्रदान करेगा, लिख लेना रफ टाइप से, इन सब चीजों की व्यवस्थित हम लोग नोटिंग करेंगे अगले बार चरण में जब आएंगे। तो अधिकार क्या है, एक बार फिर से बोलो, अधिकार किसे कहते हैं? बोलो, अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे सामाजिक दावे हैं जिसको राज्य मान्यता देता है, और सरकार क्या करती है? अधिकार जरूरी के हैं, व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। किसके लिए? सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों का होना। हम कई बार नाना प्रकार का अधिकार मांगते हैं, परंतु सारे अधिकार आप मांगोगे वो थोड़ी अधिकार वास्तव में हो जाएंगे। ये सुनो, अधिकार के हैं ऐसे सामाजिक दावे हैं व्यक्तियों के, मानव के ऐसे सामाजिक दावे हैं जिन्हें राज्य, सरल बोलो, राज्य मान्यता प्रदान करता और सरकार उसे, क्यों जरूरी अधिकार? बोलो, अधिकार किस लिए जरूरी है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। आपको अधिकार न दिया जाए तो आपका व्यक्तित्व दब जाएगा, आपको नाना प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। ये छोड़ो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये छोड़ो, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर ये न मिले तो व्यक्तित्व का ठीक से विकास, आपकी निजी पहचान नहीं बन पाएगी। इनके लिए जरूरी है क्या? अधिकार। और कर्तव्य क्या है? जो हमें करना पद और स्थिति के अनुसार, जो हमें करना वो क्या है? इस पे सवाल निबंध आ सकता है, लिख लो एक स्टार देकर, अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, एक निबंध ये बन सकता है, अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है। हाउ यू कैन से फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहले रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना गवर्नमेंट, उसको पहले आपका क्लेम, सारा क्लेम थोड़ी आपके अधिकार हो जाएंगे। हम मांग नाना प्रकार की चीजों की मांग करते हैं, कई जगहों पे लोग अलग अलग तरीके की मांग करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, सरकार मान्यता नहीं देती है, ये छोड़ो, तो आपके सारे डिमांड्स थोड़ी उनको हम जोड़ देंगे मौलिक अधिकार में। अधिकार कब होगा? वो जब सरकार उसे क्या करे, राज्य उसे मान्यता दे दे, बोलो, तब जाके वो अधिकार वास्तव में अधिकार बन जाते हैं। और सरकार तो फिर आपके अधिकारों का संरक्षण करती है, आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ, उल्लंघन होगा 3226 के तहत जा सकते हो, उपचार ले सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, 32 के तहत, 226 के तहत जा सकते हो ना, बोलो, ऐसा कर सकते हो, क्लियर? तो हम बता रहे हैं ये चीज कि ऐसे निबंध बन सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको, एक आइडियल निबंध में इसको भी रखेंगे, अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, पद और स्थिति के अनुसार जो हमें करना। अब जिस पोजीशन पे आपके कुछ अधिकार है तो आपके कर्तव्य भी है, ये सुनो, हम सबका कुछ कर्तव्य है, कर्तव्यों की बात कही गई है अपने सिलेब अपने संविधान में, कहां पर है? 51A भाग चार का भी कह है, वाह, सबको याद है, सबको याद है, भाग चार क, का स्पेलिंग क्या करोगे, ABCD में क्या करोगे, के करोगे कि ए करोगे, ए करोगे, वेरी गुड, भाग चार ए 51A, ये सुनो, कितने कर्तव्य हैं? 11 है, ये 11 मौलिक कर्तव्यों को आप रट लो, क्या करो, हर एक साल लिख रहे हो निबंध के लिए, एक तो लिखो स्टार देकर, मौलिक कर्तव्यों को रट के समझ लेना है, लिख लो,
मौलिक कर्तव्य है, इसको 100% कर लो। कोई ऐसा निबंध नहीं हो सकता है जिसमें हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में से दो तीन कर्तव्यों को लास्ट में जोड़ ना दें, क्योंकि कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब होना, बोलो कर्तव्य का मतलब होना, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी। ये सुनो, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान दिखाना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करना, ये सुनो, ये सारी बातें आती है, सब चाहिए में है, कर्तव्य है, क्या है, चाहिए में है ना। आपसे अपेक्षा की जाती है नागरिकों से कि आप यह काम करें, आपको यह काम करना। तो निबंध कुछ भी निबंध आ जाए, मान लो पर्यावरण रक्षा पे आ जाए, पर्यावरण प्रदूषण पे आ जाए, एक आपको कर्तव्य में है ना, हमें पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करना। तो लास्ट में लिखो, कंक्लूड करते वक्त दो चीजें एकदम टिप पे रखो, हर एक साल निबंध में लिख रहे हो, एक तो प्रस्तावना और दूसरा, मान लो आप महिलाओं पे कोई निबंध बना हुआ है, महिला संबंधित नारी पे निबंध कोई ना कोई होना चाहिए, ये सामान्यतः रहेगा। तो मान लो नारी पे लिख रहे हो, और जोड़ कहां से रहो, प्रस्तावना से, कहां से, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श की प्राप्ति की बात की गई है, इन आदर्शों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि महिलाओं को सशक्त न किया जाए। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक समानता स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा ठीक से साकारित जब तक और तब तक मिला दिया। बोलो ये छोड़ो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कई सारे निबंधों को आप जोड़ सकते हो। जरूर याद रखो, टिप्स याद रखो, उसके तोल तोल के याद रखो, वहां समाजवाद है, लोकतंत्र की बात की गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, बंधुत्व शब्द की बात की गई है, कौन सा शब्द है, बंधुत्व की बात की गई, राष्ट्र की गरिमा की बात की गई, एकता और आतंकवाद है, तो बोलो ये संविधान में प्रस्तावित राष्ट्र की गरिमा एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाता है, कौन, सांप्रदायिकता पे सवाल आ जाए तो क्या लिखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो लिखित कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और इस पे प्रहार कौन करता है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता पे निबंध हो सकता है कि नहीं, पंथ निरपेक्षता रहेगी तो सांप्रदायिकता घटेगी, ये छोड़ो। तो आप लिख रहे हो सांप्रदायिकता, जोड़ कहां से रहे हो, इतना आपको एरिया फैला के रखना है, और ऐसा लेके चलोगे ना, टीचर को तो दिखा दोगे, चेकर को, कि मैंने बहुत डिटेल से स्टडी कर रखी है, किसी भी चीज को कहीं से इधर से उधर उड़ा के लगाए फिट किए जा रहे हो, ये धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का पाठ हो जाए। बोलो, महिला सशक्तिकरण लिख रहे हो, जोड़ रहे हो कहां से, प्रस्तावना से, महिला सशक्तिकरण लिख रहे हो, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से जोड़ रहे हो, पर्यावरण की सुरक्षा लिख रहे हो, किससे जोड़ रहे हो, अधिकार और कर्तव्य लिख रहे हो, कर्तव्य से जोड़ रहे हो। बोलो, कई सारे इश्यूज को हम लोग, मुद्दों को प्रस्तावना से जोड़ सकते हैं, ये सुनो, भ्रष्टाचार भी जोड़ सकते हो, कि समानता स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब भ्रष्टाचार, जब तक भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए इस जो जो इसकी प्रबलता है उसको हम लोग रोक न दें। भ्रष्टाचार अगर है तो समानता स्वतंत्रता और न्याय पे जरूर असर पड़ेगा, कहीं तो कहीं अन्याय हो रहा है। बोलो, इन चीजों को दिखा दोगे तो भ्रष्टाचार जोड़ रहे हो कहां से, प्रेम बल से, महिला सशक्तिकरण जोड़ रहे हो कहां से, प्रेम बल से, पर्यावरण की सुरक्षा जोड़ रहे हो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से। तो हम कई सारे जो निबंध आएंगे ना, उनको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जब आपका स्किल डेवलप हो गया, वो कितने दिन पढ़ना है, आप फर्स्ट पेपर कितना दिन पढ़ोगे जीएस का 300 नंबर के लिए, और दो दूसरा पेपर है 300 नंबर का जीएस का दूसरा पेपर, कितने महीने पढ़ोगे, उसकी तुलना में तो बहुत कम समय देना है यार, और यहां पे ठीक से पढ़ोगे तो लाभ सीधा सीधा मिलेगा, क्योंकि यहां मान लो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ोगे, इकोनॉमिक साइंस टेक में भी तो पढ़ोगे, हम यहां बिहार में पर्यटन की संभावना पढ़ेंगे तो आप दूसरी जगह भी तो पढ़ोगे जीएस में, तो यहां दायित्व तो बढ़ जाता है, देखने में तो लगता है निबंध है, नहीं पढ़ोगे तो लगता है यार लिख ही लेंगे, और निबंध आ गया, आर्थिक आ गया, कुछ सोशल से संबंधित, तो
और आ गया फिलोसॉफिकल, तो अब फिलोसॉफिकल निबंध तो अपने चेयरमैन साहब ने बोला है कि मैं फिलोसॉफिकल निबंध पूछ सकता हूं, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी फिलोसॉफिकल शब्द का इस्तेमाल किया है, फिलोसॉफिकल पूछ सकता हूं। अब फिलोसॉफिकल पूछते ही मामला फिर इधर से उधर होने लगेगा, चार लाइन लिखने में दिक्कत हो जाएगी कई लोगों को फिलोसॉफिकल निबंध, बाढ़ का कहां तो लिख देगा, बिहार में पर्यटन लिख सकता है, बट फिलोसॉफिकल हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरा प्रयास रहेगा उस पर ठीक से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जैसे शब्द देखो, कई बार इस शब्द का प्रयोग होता है वैल्यू, इस पे सीधा सवाल भी बन सकता है, मूल्यविहीन जीवन निरर्थक जीवन है, मूल्यविहीन जीवन समाज में विषमता को पैदा करता है, मूल्यविहीन जीवन भ्रष्टाचार का निमंत्रण पत्र है, लिखो निबंध, कौन सा जीवन? अब पूछ दो मूल्य क्या है, इसी में मामला गड़बड़ है, क्या है मूल्य? मैं शब्द को, खूब शब्द होता है मूल्य शब्द का इस्तेमाल, और कई सारे निबंधों में आप मूल्य शब्द का प्रयोग करो, कौन से शब्द का, किस शब्द का? एक तो मूल्य वो होता है जो आर्थिक संदर्भ में यूज करते हैं, भौतिक संदर्भ, इसका मूल्य क्या है, तो वहां पे कीमत हो जाता है, इसकी कीमत अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, होलसेल मार्केट में कुछ और कीमत होगी, यहां कुछ और कीमत होगी, कीमत का निर्धारण हम लोग करते हैं, ये सोड़ो, इस मूल्य की बात यहां नहीं हो रही है, भौतिक मूल्य आर्थिक मूल्य की नहीं, मूल्य वे है जो वांछनीय है, जो डिजायरेबल है, लिख लो शब्द को, वांछनीय है, जो होना चाहिए वो मूल्य है, जो होना डिजायरेबल, शब्द का इस्तेमाल करोगे डिजायरेबल, विच इज डिजायरेबल इन आवर लाइफ, शब्द को लिख लो मूल्य, क्या लिख रही हो, मूल्य, क्लियर, क्या लिख लिया आपने, मूल्य, मूल्य, मूल्य वे है जो, फिर से बोलो, मूल्य वे है जो जिनको हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको हम जीवन में साकारित करना चाहते हैं, नोट कर लो, साकार, जिसको हम जीवन में साकारित, साकारित शब्द का इस्तेमाल करो, एक्चुअलाइज्ड, वांट टू एक्चुअलाइज इन अवर लाइफ, साकारित करना चाहते हैं, मूल्य वे है जो वांछनीय है, जो होने, मूल्य वे है जिनकी ओर हम अग्रसरित होना चाहते हैं, अग्रसरित, जिसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं, अग्रसरित, जिसकी ओर हम मूव करना चाहते हैं, अग्रसरित, अग्रसरित, मूल्य वे है जिनकी ओर हम अग्रसरित होना चाहते हैं, हमें गांधी के रास्ते पर अग्रसरित होने का प्रयास करना, ये सुनो, उनकी ओर बढ़ना चाहिए, और मूल्य वे है जिनके आधार पर हम, जिनके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या, सरल बोलो, उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, वो क्या है, मूल्य, मूल्य हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, मूल्य हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, क्या करते हैं, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में, जब हमारा व्यवस्थित तरीके से शुरू होगा तो हम केवल प्रस्तावना पे चार पांच दिन क्लास लेंगे, ध्यान रखना, तो हम नोटिंग करेंगे, खूब प्रॉपर नोटिंग कर लेंगे, अभी अभी नोटिंग, व्यवस्थित नोटिंग नहीं करा रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं किसी टाइप की नोटिंग होती रहेगी, नोटिंग व्यवस्थित तरीके से करेंगे, एक एक चीज की नोटिंग करेंगे, मध्य भाग जब लिखेंगे तो वहां लगभग 10 पेज लाएंगे मिनिमम, कि इस तरीके से हमें खेलना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, और सबको प्रैक्टिस करना होगा, नई कॉपी ले लेना, एक निबंध के लिए एक मोटी कॉपी ले लो, एक कॉपी तो होनी चाहिए ना निबंध की, सब लोग ले लेना, जब से एक पूरे प्लान वे में हम लोग लेके चलेंगे, एक बार फिर से बोलना, मूल्य क्या है जो, अर्थात जो होना, मूल्य वे है जिनकी ओर हम, मूल्य वे है जो हमारे जीवन का, मूल्य वे है जिनके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या, मैं पूछूं, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य शब्द का प्रयोग होता है,
सामाजिक मूल्य, मैं पूछूं पारिवारिक मूल्य क्या है, जो परिवार में होना, जो पारिवारिक दृष्टिकोण से, जिसको हम परिवार में जो हमारे पारिवारिक जीवन का, जिसके आधार पर परिवार में किए गए कर्म को हम, अच्छा ये बोलो परिवार में क्या होना चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बड़ों का सम्मान पारिवारिक मूल्य है। परस्पर सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पूछा जाए पारिवारिक मूल्य कौन से हैं? परस्पर सहयोग, प्रेम, नारियों का सम्मान, बड़ों का आदर, एकता, आपस में क्या होनी चाहिए, सहयोग, बोलो ये छोड़ो, ये सब कौन से मूल्य हैं? परिवार में ये होने आज है क्या? विकास के क्रम में पारिवारिक मूल्यों को क्षति पहुंच रही है। आज एकता नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, नारियों का आदर नहीं है, परिवार में एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगा हुआ है, ये सुनो, सहयोग है क्या? विकास तो हो रहा है बट इस क्रम में पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, ये सुनो, भौतिक रूप से संपन्न हो रहे हैं और पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं। अब कई बार आ जाता है लाइन पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता टूटना, मूल्य टूट गया। अरे पारिवारिक मूल्य कौन से मूल्य है, जो परिवार के दृष्टिकोण से क्या है, जो परिवार में होना, परिवार में प्रेम होना चाहिए सदस्यों में, ये सुनो, एकता हो, सहयोग हो, ये सुनो, आदर हो, ये कौन से मूल्य है? परिवार में होना पारिवारिक मूल्य। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? और मान लो कोई समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, हम विकास बहुत तेजी से कर रहे हैं बट विकास के क्रम में मूल्य भी मजबूत हो रहे हैं कि मूल्य का क्षरण हो रहा है? मूल्यों का क्षरण हो रहा है, क्या हो रहा है? लिखो ऐसे लाइन को, अपनी भाषा में बनाओ कि विकास तो हो रहा है बट विकास के क्रम में मूल्यों पर फिलहाल पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमें पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। बोलो मैं इसको बदल दूं, मैं कहूं राजनीतिक मूल्य क्या है? राजनीतिक मूल्य जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, बोलो, देखो शब्दों की बारीकियों को ध्यान रखना, आप अब बच्चे वाली क्लास में नहीं हो, एक लेवल पे हो, 300 नंबर का निबंध लिखने जा रहे हो और 300 नंबर का निबंध यहां पे भी निपटाना और जो एग्जाम आ जाए उसमें निपटा दो, और भाषा कितनी आपकी समृद्ध होने जा रही है ध्यान रखना, कई नए नए शब्द आपकी भाषा में आ जाएंगे, कैसे खेलना है वो खेलो आप, वो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सारे लोग एटलीस्ट इस लेवल पे हो, क्योंकि शब्दों पर उतरना सबसे अंत में आता है कि शब्द से खेल रहे हो और अच्छे से शब्दों से खेल कर अच्छे अच्छे लाइन लिखकर आपने कॉपी में दे दिया तो टीचर जब पढ़ेगा कहेगा क्या बेहतरीन लिखा इसने, बट क्या है गेम है, वो काम करना पड़ेगा, एफर्ट करोगे धीरे धीरे, और देखो कभी न समझ में आए तो तनाव नहीं लेना है, एफर्ट करो फिर से अपने को लाइन में आ जाने का कि हमें उस लेवल को टच कर जाना है, और जब आप लिखोगे ना कभी लिख के दूसरे को दिखाओगे उसको तनाव हो जाएगा इतना बढ़िया तुम लिखते हो, और जब एक बार लेखन शैली आपकी अच्छी हो गई इसको हटा लो पीछे से, हाँ कितना अच्छा है, ये लगता है तो दिमाग कहीं और चला जाता है किसी से मिलने के लिए, दिमाग की गति, मन की गति बहुत तेज है, कहीं से मिलके आ जाएगा और सेकंड में मिलके आ जाता है, ये सुनो, तो दोनों चीजें में तालमेल अच्छे से रखना ठीक रहेगा, आप नई नई चीजों को सीख लोगे, आए हो अपेक्षा से, इतना मेहनत करके आते हो तो कुछ चीजें सीख के जाओ और क्लास में इन्वॉल्व रहो, जितना देर बैठो ना कहीं दिमाग नहीं जाना चाहिए, यहीं बैठो यहीं सीखने की भावना से आओ कि हमें सीखना है, और जरूर सीख लोगे, बैठोगे तो सीखोगे निसंदेह, और एकदम फ्रेश माइंड से आओ, थके हुए टाइप में नहीं आए बैठे और जमाई ले रहे हो तो देखते ही से लग जाता है इसका तो हालत, रात भर ये फेसबुक देखा होगा वो या फिर वो यूट्यूब व्हाट्सएप चैट करता होगा, तो कुछ दिन के लिए अगर बनना है ना तो उससे जो तात्कालिक जो आसक्ति है ना, तात्कालिक जो सुख है उससे विरक्त हो जाओ, उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो लाइफ बना लोगे, दिमाग में रख लेना,
और जो देखना हो उन चीजों को देखो जो आपके लक्ष्य सिद्धि में सहायक है, तब तो लक्ष्य को भेद दोगे। लक्ष्य रखो एसडीएम बनने का और काम कर रहे हो तीसरे टाइप का, बोलो, तो अपने साथ अन्याय करोगे और अपने मदर फादर के साथ भी अन्याय करोगे, ये दिमाग में रखना। माता पिता के साथ भी छल करोगे इसका मतलब है, और अपने साथ अन्याय करोगे। और दो तीन साल जो आपके जीवन का है ना, ये दो तीन साल में अगर ठीक से मेहनत कर लोगे तो आगे का 50 साल बहुत क्वालिटी लाइफ जियोगे। कितने साल का मेहनत है? 2 से 3 साल। अब बीपीएससी तो 1 साल में ही आपका चेंज कर देगा, तो 1 साल थोड़ा उन चीजों से दूर नहीं रह सकते हो? थोड़ा सा संयम को अपने समझाओ मन को कि बेटा एक बार पढ़ लोगे ना तो जिसकी जिसको चाहते हो उसके पास एक बार निमंत्रण भेजोगे पूरी फैमिली आ जाएगी कि भाई नहीं, इन्हीं से एसडीएम बन के करो। एसडीएम बन जाओगे तो समझते हो आपकी क्षमता कितनी, और अदरवाइज अपना भी समय बर्बाद करोगे, सामने वाले को डिस्टर्ब करोगे, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करोगे, सामने की फैमिली बोलेगी ये तो फालतू का व्यक्ति है, इसके पास कोई काम नहीं है। बन जाओगे तो सारी चीजें आ जाती हैं, पक्ष में आपके आ जाती हैं, ये सुनो। और बेटियां जब बनती है तो पिता को ज्यादा गौरव बोध होता है, सबसे अधिक गौरव बोध पिता को होता है, ये ध्यान रखना। तो आप इन चीजों को लेकर चलोगे। एक बार फिर से बोलना, मैं पूछूं राजनीतिक मूल्य क्या है, तो राजनीति में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, पंथ निरपेक्षता होनी। पंथ निरपेक्षता एक प्रकार का राजनीतिक मूल्य है, राजनीति में होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलो, तो ये राजनीतिक मूल्य हो गए। अब मैं पूछ लूं प्रशासनिक मूल्य क्या है, जो प्रशासन में होना, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जो प्रशासनिक क्रियाकलापों का, जिसके आधार पर हम प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को, प्रशासनिक मूल्य है कौन सा मूल्य है? प्रशासनिक अधिकारियों में ईमानदारी होनी, ईमानदारी प्रशासनिक मूल्य। प्रशासनिक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा होनी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उनके अंदर, उनमें निष्पक्षता होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए। किनके भीतर? उनमें कमजोर वर्गों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। किसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए? किन में? आप भी बोलो, कहां देख रहे हो, इधर बोलने में दिक्कत है, किस में? कौन से मूल्य हो गए? प्रशासनिक मूल्य हो गए। तो मूल्य शब्द को खेल जाओगे कि आज विकास तो हो रहा है परंतु विकास के क्रम में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, ये सुनो। और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए परिवार में, समाज में और शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रयास किए जाने। नई शिक्षा नीति जो अपनी है ना, उसका यह भी एक लक्ष्य है कि हम जीवन में मूल्यों को बढ़ावा दें। क्या दें? जीवन में मूल्यों को, हम मूल्यपूर्ण लोगों को बनाए, अच्छे अच्छे मूल्यों से युक्त रहे। जैसे दया है, ये क्या है? प्रेम, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, एकता, ये सब क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य है। ये पारिवारिक मूल्य हो गया, जो समाज में होना चाहिए, सामाजिक मूल्य हो गया, राजनीतिक मूल्य हो गया, ये सुनो, प्रशासनिक मूल्य हो गया। एक बार मूल्य शब्द तो ठीक से पता हो। अब मान लो इसी पे सवाल बन जाए निबंध कि मूल्य विहीन विकास भ्रष्टाचार को निमंत्रण देता है, लिखो आप, मूल्य विहीन विकास, बोलो। तो मूल्य शब्द का पता नहीं तो कैसे लिखोगे? कठिनाई होगी कि नहीं होगी? तो आप इन चीजों को बारीकी से लेकर चलोगे, और लेकर चलोगे तो निसंदेह जो हमने छोटे छोटे शब्द बताए, बताओ कुछ है क्या दिक्कत? इधर देखो, जोश में आ गए हो, अस्तर थोड़ा ऊपर है, बउआ वाला काम नहीं है। तो पढ़ोगे तो लाइफ में सुधार करोगे, एक अलग लेवल पे लेके चलोगे। आप सब लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, तो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो आपको प्रशासनिक मूल्यों की भी जानकारी होनी। कभी मान लो पूछ दे प्रशासनिक अधिकारी में क्या होना चाहिए,
तो बोलो कि उन्हें प्रशासनिक मूल्यों से युक्त होना चाहिए। प्रशासनिक मूल्य कौन से है वो बता दो आप। पूछते प्रशासनिक मूल्य कहते किसे हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वांछनीय, प्रशासन में हम जिसकी ओर अग्रसरित होने का, ऐसी चीजों को लिखते चले जाओ। एक बार मूल्य पढ़े कई जगहों पे लिख रहे हो, बोलो ये स्वर्णो ऐसा कर सकते हो। क्लियर? कोई प्रश्न है पूछो आप। आइडियाज अलग हो गए ना, विचार हो गए ना, आइडियल आदर्श हो गए। हम एक रूप में दोनों में संबंध भी रखेंगे। आप ये बताओ गांधी आपके क्या है, मूल्य है कि आदर्श है? वहां मूल्य लिखोगे क्या? गांधी को हम आदर्श के रूप में देखते हैं और उनके बताए गए रास्ते पे चलते हैं। हम गांधीवादी मूल्यों को स्वीकार करते हैं, बोलो। तो आदर्श भी एक प्रकार का एक सकारात्मक संदर्भ है, वो भी भविष्य की दिशा देता है। और मूल्य जो है ना मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीनिंगफुल बनाते हैं। शब्द का प्रयोग करो, मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। लिख दो, मूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सार्थक बनाते हैं। मूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। क्लियर है? इन शब्दों को देखोगे, एक बार इन्फॉर्म कर देना उनको, इन्फॉर्म कर दो। लिख लो, सवाल पे लिखो, मुख्य और प्रमुख में क्या अंतर है? मुख्य और प्रमुख में क्या अंतर है? लिखो, मुख्य और प्रमुख में क्या अंतर है? लिख लो, जिंदगी में कभी कहीं पूछा नहीं जाएगा। लिखो लिखो, जिंदगी में कहीं कभी पूछा, लिख लिया। अंग्रेजी में मेन शब्द होगा, ठीक है, मुख्य बोल दो, प्रमुख बोल दो, इसी में खेलते रहो। 50 ऐसी चीजें दे देंगे झुंझुना, समाधान ही नहीं निकलेगा, कहां खोजोगे? हैं? कभी पूछा ही नहीं जाएगा। किसी को बैठ के ऐसे फंसाना हो तो चार चीजें ऐसी ऐसी बता आ जाए। कौन सा वादा है? मुझे भी आज निकलना है, आज मैं दिल्ली, सामने हमारी फ्लाइट है, इस सामने मैं निकल जाऊंगा। एक बार जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करो। देखिए तो सब आप लोग अभ्यस्त हो, आप देखिए बिहार में इस चीज की, एक चीज की बड़ी कमी महसूस हो रही थी, एक अच्छे क्वालिटी की, है कि नहीं? अब तो वो चीज दूर हो गई। सर जयपुर में थे और अचानक हम कहे कि सर कैसे भी आना है, तो जयपुर से पहले दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट लेके पटना, क्लास लेके अभी फिर दिल्ली निकलते, फिर सर आएंगे एकदम बेहतरीन। अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? बस यही चाहिए, बस बस यही चाहिए हमको, बस आपसे। देखिए सर का एकदम स्वास्थ्य ठीक न रहने के बावजूद क्लास लेते हैं, एक बार उतर जाते हैं क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ये गारंटी है हमारी। इस बार अब देखिएगा ना, ये बीपीएससी में ना, इस बार का जितना अधिकारी जाएगा वो अपना ट्रेनिंग कॉलेज में देखिएगा, अपने ट्रेनिंग कॉलेज में, तो हमारे सिटवा के पिछवा बैठता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अच्छा हम गारंटी कर रहे हैं ना, वहां पे भी सब नहीं सुधरेगी, लेट से पहुंचेगी सर, एकदम मैंने उबा देती है सर, लेट से आएगी सर आराम से। तो आप लोग को वहां भी जाना है, हर चीज जीवन का एक ये वाला दृश्य हमेशा आप लोग को याद रहेगा कि क्या सपना लेके आए थे और क्या हो गया। इतना तो गारंटी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना होने देंगे हम, गया जमाना अब वहां पर। अब एक लड़का अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, तो इसमें कोई उसका अपराध नहीं है कि वो अच्छे शिक्षकों से ना पढ़ सके। इसके लिए हम सर का भी धन्यवाद देते हैं कि इतने भाग दौड़ के दुनिया में सर भी आए यहाँ पर। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि इतने शॉर्ट टर्म पे हमने एकदम बहुत कम समय में बताए थे। कहीं सर कैसे हो पाएगा, हम कहें नहीं सर, तो आप लोग का भी सौभाग्य है जो इतनी बेस्ट क्वालिटी का आप लोग को एजुकेशन हर फील्ड में आपको मिलेगा, और आपको अब लगने लगेगा एग्जाम में। और एग्जाम के समय सर का एक स्टूडेंट था, हम नाम तो ना लेंगे, इतनी तैयारी कंप्लीट हो गई थी, टॉप 10 के अंडर में था, इतनी तैयारी, अब हम नहीं लेंगे सर को, तैयारी इतनी कंप्लीट हो गई थी यूपीएससी में कि सड़क पे चलने के टाइम ना अपने आप को बचा के चलता था।
सर बता रहे थे, पूछे क्यों, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो पक्का होने वाला है, कहीं साइकिल मोटरसाइकिल ठोक ओक दिया तब फैक्ट है ये, सच्चाई सब भीड़ भाड़ खत्म हो जाता था, हमारा तैयारी हो गया है, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाय पीने के टाइम ठंडा हुआ कि नहीं मुंह में मत जर जाए हम। तो इस लेवल की तैयारी चाहिए आपको कि आपको ऐसा लग जाए कि ना मेरा होना ही होना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आप लोग याद करो कि बोरा बिछा के बैठने वाला लोग, वहां भी ट्रेनिंग में भी बैठेगा लोग, वहां बढ़िया व्यवस्था मिलता है, वहां आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो लड़का लड़की ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोगों किसी को कोई दिक्कत नहीं आ गया, यहाँ पे दो दो बीपीएससी आप लोग को मिल रहा है, 68 69, इसमें तो एकदम लेके ही जाना है घर पे। यहाँ पर माँ बाप को भी देखेंगे, अगर 10 तो बीमारी रहेगा तो ऐसे ही सही हो जाएगा, एकदम बिना इलाजे का सही हो जाता है। माँ बाप को और क्या चाहिए, बुढ़ापा में तो और कम खाना हो जाता है, अब हम लोग की उम्र के आएंगे तो अब खाना खा पाएंगे, कितना खाए थे हम लोग सुबह में, सुबह में दो रोटी, सुबह से दो रोटी खाए लोग साथ में बस सुबह सुबह ही। देखो आप सफल होते हो ना तो आपके मदर और फादर की जीवन प्रत्याशा और बढ़ जाएगी, वो 5 साल 10 साल ज्यादा जिएंगे, और आपके बनोगे तो आप, परंतु उनकी खुशी आपने दे दी, बैठ के वो बाहर निकलेंगे, चाय के दुकान पे भी बैठे हुए हैं ना खुश है, आप उनके जीवन में खुशी का परमानेंट संचार कर दोगे, और सब आपके हाथ में है। तो आपको जो अवसर मिला है ना, जो समय मिला है ना, इस समय का सदुपयोग कर लो, और हमेशा अच्छा समय नहीं आता है, हमेशा अच्छे लोगों का सानिध्य नहीं मिलता है, तो अच्छे प्रमाणिक लोगों का सानिध्य मिल रहा है, उन सारे लोगों को लाने का प्रयास हो रहा है, तो आप उसका लाभ उठाओ। अब इसमें इफ एंड बट मत लगाओ, इन बच्चों को देख के जो नीचे बैठे हुए हैं लगता है कि कितना मतलब आशा और अपेक्षा से यहाँ पर आए हैं, कितनी इनकी अपेक्षाएं होंगी। दिल्ली में यही अंतर है कि आप जाओगे एसी फुल एसी ठंडा पानी ठंडा कोको कोला चाय 2.5 लाख अलग से दे दो, उसके लिए अलग से कितना दे दो, और 2.5 लाख देने के बाद भी औसत 10 जगह के बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जान लोगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ट्रैक रिकॉर्ड बिना जाने पढ़ते हैं सब, समझ में आया। तो थोड़ा सोचो समझो, और जो मैं बातें बता रहा हूं उनको अपने भीतर आत्मसात करो, इन शब्दों को लाओ अपने भीतर। दूर के ढोल सुहावन सुने ना, आपको यहां लगता होगा मुखर्जी नगर ये है, जाइएगा सब तो वहीं रहते ही है, घरे वहीं है मुखर्जी नगर में, वहीं जैसे हम लोग कैसे मुसल्लापुर हाट में है वैसे, दूर के ढोल सुहावन में क्या होता है, वहां जब कोचिंग करिएगा ना यहाँ चीज, तो फीस तो इतनी महंगी हो जाती है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया घर से लेके चला गया। अब लड़का को क्वेश्चन ही नहीं पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको अरे अभी क्वेश्चन क्या देखने की जरूरत है, अभी डिस्कस करने की क्या जरूरत है, अभी कुछ पढ़ लो 6 महीना बाद साल भर बाद उनको समझ में आता है कि वाह हमारा से ना हो पाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आपको। इसलिए day 1 से सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन दिखाया कि देखो बाबू क्वेश्चन ये है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाया विथ नंबर के साथ, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ये समझाने के बाद कि वो खुद कह रहा है बीपीएससी इशारा कर रहा है कि हमको पूरा हिस्ट्री नहीं 50% चाहिए, तो तू काहे लिए मर रहा है, जब वो खुल के कह रहा है 6 में से 3 को बनाइए तो काम मर रहे हो तुम, मरो तुम। अब इसके बादों कोई आंख रहते हैं नाराज आए तो उसको कौन बचाएगा, अब इसका क्या इलाज है, अब दिख रहा है तुमको साफ साफ कि इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि 4 में से 3 बनाइए, वो खुद कह रहा है कि 80% पढ़ के आइए 80%, अब उसको तुम छोड़ देगा, जाओ तुम कबाड़ में, यही हाल होता है। तो इस सब का आप दिक्कत नहीं है, आप लोग का यही एनर्जी लेवल बना रहना चाहिए। जीवन में याद रखिएगा 1 से 1.5 साल की मेहनत पूरी जीवन आपको आराम से जीवन जिला देती है, 1 से 1.5 साल। हर एक सफल इंसान की अब एक कहानी है, किसी भी सफल इंसान को पढ़िएगा, कोई भी हो एक्स वाई जेड, उसकी 1-1.5 साल की ही मेहनत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर हवाई जहाज भी जब जाइएगा ना तो ऊपर जब क्रूज करता है तो बहुत टेंशन में रहता है, पूरा इंजन थ्रस्ट पावर, जैसे समताप मंडल में जाता है टेंशन फ्री, लाइट की बत्ती ऑन कर दी जाती है, एयर होस्टेस कर दे, अब आपको खाना परोसेंगे, पायलट खाना होना चालू कर दिया, लेकिन वही शुरुआत में अगर सोच ले ना कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी आप लोग किस अवस्था में, क्रूजिंग मतलब अभी टेक ऑफ कर रहे हैं, दम लगाइए पूरा थ्रस्ट पावर इंजन के लगा के, अब फिर एक समय आएगा जब क्रूज करने लगेंगे आप जहां आराम से, समझ आ गया कि नहीं। तो अभी आप क्रूज मत करने लगिएगा,
समझ में आ गया कि नहीं, रद्द हो जाएंगे आप। एक छोटा सा मेहनत और क्या। फिर अभी कभी आप लोग बैठे रहेंगे अपने ऑफिस में, चारों ओर देखेंगे अधिकारी भरे हुए हैं लोग, आपको अच्छा लगेगा कि जब कोई अपनी समस्याओं को लेके आपके पास आएगा कि साहब मेरा कोई जमीन हड़प लिया है, आप जब अपने कुर्सी पे बैठे रहेंगे आपके हाथ में न्याय रहेगा, तो आपको अपना दिन याद रहेगा कि कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो लेकिन हम आपसे भी ये सोचते हैं कि आप लोग भी जब बनिएगा ना, तो किसी गरीब के साथ अन्याय होते हुए ना कितनों बोर से टकरा जाइएगा, क्योंकि कितनों बोर रहेगा तो बाद में तो हम लोग मैनेज कराइए। हर बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ इतना है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीनियर होगा आपका तो भी इधर से गया होगा, है कि नहीं। बस यही चीज होना चाहिए, एक बार ठान लेना हम लोग, जिस देश का युवा एक बार ठान लिया ना, उस देश को बदलने से भगवान भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल। और एक स्ट्रेटजी के तौर पर, एक रणनीति के तौर पर फीस को महंगा किया गया ताकि अमीरों के लड़के आ सके, वो एक क्रीम लेवल तक जा सके, और गरीबों को दिन पर दिन नीचे रखा गया ताकि वो कभी बदलाव ना ला सके। आप विश्वास नहीं होगा, बीपीएससी जैसे अधिकारियों की बैच 200, 150, 300, 500 ऐसे बैच बनते थे। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? इतना तो कभी हिम्मत ही नहीं करता था लड़का पढ़ने के लिए, सर फीस देख के भाग जाता था। फैक्ट है ये। इतना बड़ा बैच आपको कभी नहीं, अब किसी से कहीं देखिएगा ना कि बीपीएससी का बैच हिल जाओ, अरे बाप रे बाप, कई ठोको तो अभी टेंशन हो गया, कहे खान सर हम लोग क्या कमाएंगे। हमको बड़ा अफसोस लगता है कि कोई अपना सपना लेके आया है, उसकी आंख में देखो किसी के बाप बीमार होंगे, किसी की माँ दूसरे के यहाँ काम कर रही होगी, किसी की बहन बैठी होगी पैसा की कमी से विवाह ना हो पा रहा, बरसात में छत टपक रहा होगा, उसको देख के तुम कहता है कि कमाएंगे क्या, शर्म नहीं लगता है यहाँ? तो कुछ लोग विरोध भी कर देते हैं हमारा, तो विरोध करने से देखिए कुछ करने दीजिए, इतने लाखों विद्यार्थियों की दुआएं साथ रहती हैं, आप सब लोग हई हैं तो क्या दिक्कत है, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो आप सब लोग अब मन लगा के पढ़ाई किए, चूंकि अब सरस्वती पूजा वगैरह भी है इसमें, अब सर को अभी हम एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्लाइट का भी टाइम है, सब चीजों को ध्यान में रखना, फिर आप लोग को बाकी आगे का इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। बच्चे ऊपर में जो है, हाँ ये खूब खुश होकर ना पियर का सियार भेजता है, अब घुसियाएगा सर ललका सियार भेजेगा सर, पियर का सियार ही मैंने, हाँ खुश है सब यहाँ पे, ललका सियार ललका सियार भेज देते, ठीक है। तो सर के लिए टाइम को भी समझना है, ठीक है। तो हम आप लोग बैठे रहेंगे, हम बस आपको दो मिनट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब लोग खुश हैं? ठीक है।